नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले मैगी, तो जिसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे मेरे खेतों से चाहिए। तो चलिए चलते हैं टमाटो की तरफ। आज मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये देखिए क्रिकेट है। भाग गया। तो देखिए मैं आप तोड़ने वाली हूँ टमाटो। मुझे मिल गया है, तो ये टमाटर को तोड़ रही हूँ। तो इसमें ढेर सारे हरे हरे टमाटर हैं, जिनमें से मैं चल गाइस जी देखिए ये क्या मिला है मुझे। इसे कहते हैं मगोइचा। देखो ये काले काले पक चुके हैं, इसे हम बचपन में बहुत खाते थे। और टमाटर तो मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये चेरी टमाटर और भी मैं ढूंढ लेती हूँ। चलिए कहीं और चलते हैं, दूसरी जगह पे आइए। मैं वेल हाय गाइस, ये देखिए चिलीज, ग्रीन चिलीज। तो मैं इसे तोड़ रही हूँ। और इस पेड़ में भी देखिए कितनी सारी है, ये देखिए। तो मुझे, मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूँ, मुझे जितना ज़रूरत है मैं उतना ही तोड़ूँ। मैं इतना ये तोड़ ले रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के पास। मैं अब तोड़ने वाली हूँ। ये बहुत छोटा सा है। मैं ऐसे घुमा घुमा के तोड़ लेती हूँ। इसे मैं घर पे जाके चाकू से कट करूँगी, इसे पूरा ही ले ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सब कोरिएंडर लीफ है, तो मैं इसे भी ले लूँगी, उखाड़ ले रही हूँ मैं। अब ये बहुत छोटी है, तो मेरे काम इतना ये हो चुका है। बढ़ते हम अगले इंग्रेडिएंट्स के पास। ये देखिए गाइस बैगन। आइए मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बैगन। तो मैं शाम की सब्जी के लिए इसे तोड़ ले रही हूँ। मुझे सब्जियों को तोड़ना बहुत अच्छा लगता है गाइस। हालांकि लगाता कोई और है, तोड़ती मैं हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसे तोड़ने में। देखिए मैंने तोड़ लिया है, और कुछ मैं इस तरफ से तोड़ूंगी। तो शाम की सब्जी के लिए मैंने बैगन तोड़ लिए हैं। अब चलिए अब चलते। तो ये देखिए क्या मिला है मुझे, इतना बड़ा सा बैगन। तो मैं इसे तोड़ ले रही हूँ। देखिए मैंने कबाड़ा कर दिया है। यहाँ पे मैंने इस डंठल को भी तोड़ दिया है, जो मेरे बाबूजी देखेंगे तो मेरा सर फोड़ देंगे। इसे मैं फेंक देती हूँ दूर, नहीं तो मैं मार खा जाऊंगी। ये देखिए। तो ये दोस्तों देखो, ये गाजर कुछ बचे हुए हैं और कुछ उखड़ गए हैं। तो मैं यहाँ से ये गाजर लेने वाली हूँ, और देखिए यहाँ से भी लेने वाली हूँ। और कुछ मैं, ये देखिए गाजर छोटे छोटे ही हैं, और मैं ये यहाँ से उखाड़ू। ये तो नहीं निकला। तो गाजर अच्छे नहीं है, लेकिन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। ये देखिए ये वाला तो बड़ा है। और दोस्तों देखिए वहाँ पे लाल लाल फूल लगे हैं। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने घर पे रेसिपी की तरफ। तो कम विद मी, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अब घर पे आ चुकी हूँ, और मैंने सारे सब्जियों को धो के कट कर लिया है। तो हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए दो मैगी बनाने के लिए, तो पत्ता गोभी, गाजर, धनिया, ये हरा प्याज है, और ये कुछ प्याज है, और ये टमाटर,
हरी हरी मिर्च है, और मसाले में मैंने गरम मसाला लिया, और ये मैगी का मसाला है, चिली फ्लिक्स ली है, नमक, ऑयल, और ये हमारा मैगी। तो चलते हैं हम अपने कढ़ाई की तरफ। तो हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, ये तेल डाल दिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, और ताकि मैं इसमें मैगी डालूंगी। तो तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं, और मैगी भी उबल जाएगी साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च, और मैं इसमें डाल देती हूँ ये हमारा नूडल्स। पाँच से तीन मिनट के लिए हम पकाएंगे। ढक देती हूँ। अब मिर्च में मैं डालती हूँ प्याज, प्याज को मैंने डाल दिया है, फिर भूनूंगी अब मैं, और इसके बाद मैं डालूंगी पत्ता गोभी। तब मैं इसे ढका हुआ खोल देती हूँ। देखिए ये बॉइल्ड हो रहा है। ये बॉइल्ड हो चुका, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इससे सारे पानी को छान लेती हूँ। अलग कर देखा। तो ये देखिए मैंने इसे पानी से अलग कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्याज की तरफ। तो ये प्याज देखिए सुनहरा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ गाजर, और गाजर के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पत्ता गोभी। ये मैगी का दोस्त है पत्ता गोभी। अब इसे मैं दो मिनट ढक कर पकाऊंगी। देखिए दोस्तों इसका कलर कुछ इस तरह है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने वाली हूँ, तो ये मैं टमाटर डाल दे रही हूँ। अब मैं इसे कुछ देर भूनूंगी, साथ ही साथ ये मैं हरे प्याज भी डाल दे रही हूँ। अब हमें फिर से ढक देना है, और मैं थोड़ी सी नमक डाल दे रही ताकि ये गल जाए सब्जियाँ। मैं सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, हाफ कुक करना है। मुझे बाहर के नूडल्स से अच्छा तो घर की मैगी अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को जब भी खाने का मन करता है तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरी सब्जी ऑलमोस्ट हाफ कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर लीव, और साथ ही साथ मैं इसमें डालूंगी ये नूडल्स। मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और मैं इसमें ये डालूंगी गरम मसाला है, और ये मैगी के पैकेट में से जो निकला था वो मसाला है, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी ये चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैंने रखा था ये, और मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। अब हमें बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, तो हमारी मैगी हो जाएगी तैयार खाने के लिए। मैं बेकरार ये मैगी बना के मुझे मम्मी की याद आ गई। मम्मी मुझे हमेशा ऐसे ही मैगी बनाती थी। आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी। आई होप मैं आपके साथ हमेशा रह पाती, बिकॉज मेरे शादी की वजह से मैं गांव में आ गई। मम्मी आई मिस यू मम्मी। मम्मी से मेरा मिलना नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि मैं गांव में हूँ, मम्मी मेरी रहती है मुंबई में। तो मम्मी को मैं बहुत मिस करती हूँ। डेढ़ डेढ़ दो दो साल पे मैं मम्मी से मिलती अपने। फ्रेंड्स,
मैं इसे एक मिनट और पकाऊंगी इसे ढक के, ताकि ये अच्छे से मसाले इसके पक जाए। तो एक मिनट बाद में पक जाएगी तो हम खाएंगे। वेल फ्रेंड्स, एक मिनट हो चुके और मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इसका कलर। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। अब मैं करूँगी प्लेटिंग। ये मेरा चेरी टमाटर, मैं इसी पे डाल दूंगी। सो मैगी है तैयार। आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तब बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।